कोई बात नहीं दोस्त, आप हमारी भावनाओं को समझिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं कोई पता नहीं, क्योंकि हम लोग नए हैं भाई यहाँ पे। और देखिए हम लोग MLT के स्टूडेंट है। अब ऐसा सिविल ड्रेस में जा रहे हैं क्योंकि कॉलेज बंद है और सारे लोग चले गए समर वेकेशन पे कि विंटर वेकेशन। आप RGSC को ऐसे देख सकते हैं, कितना सुंदर दृश्य है नजारा ये RGSC का। और ये है हमारे अविनाश जी जो यही हमें लेकर जाएंगे कहाँ, वाटरफॉल पे। अगर हम सिंपल वो शब्दों में कहें तो RGSC को एक जंगल के स्वरूप आप समझ सकते हैं। ये गलत बात बोल रहा है तू। जंगल दिखा दो पीछे। ये इसलिए और ये देखिए, अगर मेरा बात गलत है तो ये क्या है, और इसके सामने देखिए। अरे ये सब खूबसूरती है यार BHU की यार। नहीं सर देखिए गलत बोल रहे हैं। नहीं और यहाँ पे ये फूड प्रोसेसिंग के भाई साहब है नवीन, देखिए इनसे मिलिए। हाय करो, हाय करो। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? बिना भी चल रहे हमारे साथ में, ये भी सब विंटर वेकेशन के साथ जा रहे हैं, बताओ। हाँ वाटरफॉल पे जा रहे हैं। विंडन वाटरफॉल। ओके, हम लोग आपको वाटर विंडो ले जाके जा रहे थे, लेकिन उससे पहले चाहते हैं कि रास्ते का नजारा दिखा दे, और अनु भाई के साथ हम रास्ते का नजारा देखेंगे। देखिए यहाँ पे नजारा बेहतरीन है, मतलब देख के इतना लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम लोग स्वर्ग में आ चुके हैं। और ऐसा फील हो रहा है कि मानो इससे पहले यहाँ पे आया ही नहीं हो। हवा इतना बेस्ट है, मतलब देखिए महसूस हो रहा है, हवा को महसूस कीजिए और ये वातावरण को देखिए। और यहाँ पे देखिए RGSC का बेस्ट कैंपस बोला जाता है वेटनरी को। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो हम चल के दिखा देंगे। लाइन पे बने रहिए, हम दिखाते चलेंगे। BHU के स्टूडेंट के शब्दों में आपको दोबारा कहीं नहीं सुनने को मिलेगा, इसीलिए बातों को थोड़ा गंभीरता से सुनिए। और यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का है, इधर आइए आप भी समझाइए। गेट बंद है, बताइए। गेट बंद है, आइए। तो नसीब में हम लोग का खराब लग रहा है गेट बंद हो गया है, कसम से ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, अगर इस बार नहीं दिखाएंगे तो नेक्स्ट टाइम। लेकिन ब्लॉग को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग है, मनोबल थोड़ा बढ़ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे लग रहा है बंद हो चुका है, फान कर जाएंगे, कूद कर जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर आप, सिर्फ आपके लिए। अब इधर देखिए, दिखाया जाए इधर, यहाँ पे दिख रहा है जूमिंग वगैरह है तो कर रहे भाई सिस्टम में। अभी हम नए नए जूमिंग वाला सिस्टम बाद में करेंगे, ठीक है। एप्पल का फोन नहीं है भाई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इधर भी दिखा दे। फिर भी पीछे हाईवे दिखा सकते हैं आपको, यहाँ से भी जा सकते हैं लोग। ट्रेन वेन नहीं चलती है, लेकिन बस हमारी है जो बेहतरीन सेवा है यहाँ पे बस का, मिर्जापुर में और बरकच्छा में। रुकता ही नहीं है बस, रुकता नहीं है, गलत बोल रहे हैं। लेकिन BHU हम लोगों के लिए फैसिलिटी, लेकिन वो बस खाल BHU के बच्चों के लिए ही चलता है और फ्री में चलता है, माँ कसम एक भी रुपया नहीं लगता एक्स्ट्रा। कभी जाके जब आप बस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी जाके खाली पहले पासबुक बन जाए। लेकिन पासबुक बने या किस जन्म है ये भगवान जाने, हम तो नहीं जानते। दो महीना से इधर है, पासबुक नहीं बना अभी तक, और 10 दिन उन लोग का खत्म ही नहीं होता। वेटनरी का हमको दिख चुका है, दिखाइए वहाँ पे, शायद आप लोग दिख रहा होगा। और जूमिंग नहीं होता है तो गाइस इसके लिए हम आप माफी चाहते हैं। एक काम कीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड करके जूमिंग कर लीजिए, क्योंकि इस समय हमसे हो नहीं पा रहा है। चलते हैं फिर। और जो भी फोटोज होंगे हम PDF में करके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इधर से हम लोग को जाना पड़ेगा, एडिट करके जंप करके जाना पड़ेगा। देखिए हम रास्ते में जा रहे थे, हम हमारे सामने ऐसा दृश्य आ गया जिसको लगा हम आपको दिखाना चाहिए। अभी देख लीजिए थोड़ा, चालू है कैमरा? चालू है तो देखो, दिखाओ इसको यार, दिखा ऊपर। तो ये मेन है, देखिए यहाँ पे बिजली का सप्लाई होता है RGSC पूरा, जितना कैंपस है RGSC का। तो यहाँ से जा रहा भाई, लग रहा है ऐसे कि हमको खींच लेगा अपने तरफ, लेकिन तभी हम जान पे रिक्स लेके आप लोग को दिखा रहे हैं, पूरा दिखा दो। और आप लोग थैंक्स बोलिए भाई को। हाँ तो यहाँ से पूरा सप्लाई जाता है, चलिए देखिए। भाई इसको छूने का ट्राई मत कीजिएगा कोई भी, आपसे निवेदन है हमारा। काला इसे ही, और ये ब्लॉग रिस्की है, फिर आप लोग एंट्री करिए ऐसा ब्लॉग बनाने का, क्योंकि ये बहुत रिस्की है भाई, इसीलिए हम आपको सावधानी बरतने के लिए बात हम सब दिखाए। तो फिर देखिए यहाँ पे पत्थर दिखा रहे हैं, लग रहा है हनुमान जी यहाँ पे पत्थर छोड़ के चले गए हैं। भाई कितना खतरनाक पत्थर है, पूरा अच्छा से दिखा दे यार। हाँ देखिए, कितना भी हिलाए लेकिन हिलेगा नहीं, हमारा शरीर हिल जाएगा, इसलिए रहने देते हैं। चलिए ये मेरे पीछे जितना भी दिख रहा है सब समझ लीजिए पहाड़ी है, पहाड़ है एकदम। स्वच्छ हवा इधर मिलता है, साफ सुथरा हवा मिलता है, सब बंद किया जाए। हम यहाँ देखिए आपको बहुत ही अद्भुत चीज दिखाने वाले हैं, अनु भाई तोड़ रहे हैं। देखिए इमली पहली बार इमली मिला है। लड़कियों का खास, क्या बोलते हैं, लड़कियों का खास नहीं, लड़कों का भी खास है इमली, खास का मेरा इमली फेवरेट है। देखिए कुछ मिले या ना मिले, आपको RGSC में इमली तो जरूर मिलने वाली है। अगर आपको खाना है तो RGSC में कृपया करके आए, इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम निकालिएगा जरूर। हाय हाय, तो देखिए दोस्तों चलते चलते हम लोग बहुत, मतलब 1 घंटा के करीब मेरे लंबे सफर के बाद पूरा RGSC घूमते घूमते हम लोग यहाँ पे देखिए वेटनरी में आ चुके हैं।
जहाँ आरजीएससी में ये फेमस कोर्स है वेटनरी का, जो ये नीट के थ्रू होता है। तो देखिए दिखा रहे हैं आपको लाइन, तो यहाँ पे देखिए वेटनरी के यहाँ पे क्लास चलता है। बोर्ड दिखा दे, बोर्ड कहा जाए तो एमएमबीएस के बाद सेकेंड कोर्स माना जाता है वेटनरी। और ये देखिए, सॉरी आप लोग को उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मिरर का यूज, मिरर का यूज कीजिए। आइए ये दिखा रहे हैं, बस हमारी बात तो समझ जाएगी हम कहाँ है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाईवे के रास्ता से ये आता हुआ है वेटनरी, लगभग आरजीएससी के जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है। बहुत लंबे सफर के बाद से हम लोग वेटनरी आ चुके हैं। गाइस कितना मस्त नज़ारा है, कसम से इतना अच्छा नज़ारा हम लोग कहीं नहीं देखे होंगे, और ये हम आपको दिखाएंगे, टेंशन ना लीजिए। ये आप लोग के सामने हम नहीं है, हमारे अनुप भाई हैं, दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे। देखिए अब आपको शायद अच्छा से दिख रहा होगा, जैसे जैसे करीब आएंगे वेटनरी का। यहाँ पे देखिए एंट्री, देखिए भाई साहब कितना गजब का बना हुआ है ये कॉलेज, और ये कोर्स बेहतरीन है। आपको भी इच्छा करे, मन करे तो नीचे एग्जाम के थ्रू आप लोग आ सकते हैं। थोड़ी बैठो, देखिए पॉज कर दिया करो, इसको दिखाइए, देखिए आप पढ़ सकते हैं इसको, आपके लिए कैमरा बैक किया गया है, स्पेशली आप लोगों के लिए। हम लोग तो देख रहे हैं और लाइन से आप लोगों को दिखाएंगे। अब यहाँ पे हम इन करेंगे सबसे पहले अपने पावन चरणों से, आउट से इन कर रहा है, आउट से भैया इन करेंगे, कोई नहीं कोई नहीं, होता है होता है। ये तो अभी यही रास्ता बचा हुआ है, चलिए। हाँ तो बहुत लंबे, सबसे पहले हम जब गेट से एंट्री करेंगे तो हमारे गार्ड अंकल मिलेंगे, गार्ड अंकल जो बहुत ही अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। चलिए ठीक है चलते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए इमली जैसे लग रहा है, यहाँ जानवर खाते वैसे फेंक रहा है। गाइस देखिए यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है इमली, इमली इज माय फेवरेट, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। गाइस ये को लाए, इमली आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं, आपको भी चाहिए तो ले सकते हैं। ये देखिए इमली, देखिए इमली, इमली इमली, बहुत खुशी हो रहा है, लग रहा है यार जैसी हमको कुछ ना कुछ अच्छा चीज मिला, जैसे कि इमली मिल रहा है, इससे अच्छा तो और कुछ मिल नहीं सकता। अच्छा कुछ हमको आज तक नहीं लगा है, ना ही लगेगा लाइफ में। अवनीश भाई को लग रहा है इमली पसंद ही नहीं, इधर उधर घूम रहे हैं। और देखिए वो एफएमपी के स्टूडेंट है, कच्चा है समझ में, टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं खाने के लिए। देखिए इसको बैग में, आज बहुत खुशी हुआ आरजीएससी में हमको इमली दिया, इमली के सिवा कुछ और मिलेगा नहीं यहाँ पे। रखो हमारे सैंडल, रखो तुम्हारा इस रख रहा, लेकिन तुमको हम देंगे नहीं, रूम पे चलना नहीं देंगे। देखिए आप लोग के सामने रख रहे हैं, आप लोग ही मंगवा दीजिएगा, आपको भी खाना। वैसे तो जितना चाहिए उतना तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग बैग भर लिए, फुल हो गया बैग हमारा, फट जाएगा इसलिए अब रहने देते हैं, बैग बहुत ज्यादा इमली हो गया। आप लोग को चाहिए तो आप सीधे आइए बीएचयू वेटनरी के पास, वेटनरी कॉलेज, कॉलेज सिर्फ उसके बगल में मिलेगा आपको, इमली यहाँ पे मिल रहा है, जितना चाहिए उतना मिलेगा। दो रुपया बिजनेस आप कंज्यूम कर सकते हैं, चलिए ठीक है, थैंक यू। ये रिस्की तो बहुत है क्योंकि हाईवे पर हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए ब्रिज है, ये देखिए ब्रिज पर हम लोग खड़े हैं, चलता है। और कुछ बोलेंगे उन्हीं, धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं, क्या बोलेंगे, वहाँ दिखा दो नीचे छोटा सा विंडो फॉल, देखिए देख लीजिए अच्छे से दिखाएंगे बैक कैमरा से, वेट एंड वॉच। फर्स्ट टाइम हम विंडो फॉल पे जा रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है कि हम जा रहे हैं, लग रहा है यहाँ पे हाईवे पे लग रहा है कोई गाड़ी आकर हमको शोर का रास्ता ना दिखा दे। रास्ते को देखे तो डर इतना लग रहा है कि मन तो नहीं कर रहा है जाने को, फिर भी हम लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ साइकिल आ रही तो लग रहा है एयरप्लेन आ रहा है, दो घंटे का लंबा सफर हो चुका है। और कोई हम लोग पानी वानी खाने चीज पीने का सामान भी देखिए बैग में लाए हुए हैं, लोग रखे हैं लोग इमरजेंसी में, देखिए रात भी हो जाए। अनुप भाई के साथ रहेंगे तो आपको जिंदगी का मतलब प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। रास्ते पर चलते चलते बहुत दूर आ चुके हैं, ये देखिए ना पहाड़ पे खड़े हैं, लग रहा है गिर जाएंगे, फिर भी आज के लिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हुए हैं, उतना खुशी नहीं हो रहा है जितना यहाँ पे आने पर हो रहा है। अबे पीछे भी देखना यार, देख लिया आप लोग बता दीजिए अगर हमको पता ना चले तो, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत तेज चल रही हैं, बहुत। हम क्या कहें आरजीएससी के बारे में, यहाँ आप ही खुद देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पत्थरों का भंडारा लगा हुआ है, और उधर दिखा रहे हैं रोड के उस साइड देखिए ना, उधर देखिए लग रहा है ऐसा खेती मतलब जीवन में कभी नहीं देखे ऐसा दिख रहा है। ये सब बीएचयू की कृपा है, ये हम लोग की कुछ कृपा नहीं है। यहाँ पे देखिए उस साइड कितना अच्छा हरा भरा गेहूँ का खेती हो रहा है, और यहाँ पे देखो यार क्या कहें हम बीएचयू के बारे में, जो भी कहें कम है, कम है।
मतलब इस साइड पत्थर उस साइड खेती, ठीक है। हेलो गाइस, हाँ तो यहाँ पे हम लोग घूमते घूमते हैं, कहाँ पे विंडम फॉल घूमते घूमते, देखिए सबसे अच्छा दृश्य क्या दिखा अविनाश यहाँ पे, अविनाश बताए यही सबसे अच्छा हमको यही दिखा अभी तक, इसको देख के मतलब अपना जैसा फील हुआ, इसीलिए हम लोग बता रहे हैं लगा कि हम लोग कहीं सुंदर जगह पे जा रहे हैं। और पीछे भी ये देख लीजिए, अब इसको देख के हम क्या बताएं, आप सोच सकते हैं कुछ नहीं यार, अच्छा है कल्चर, खाना बनता है कल्चर, हम लोग कल्चर संस्कृति। पेड़ दिखा दो, पेड़ दिखा दो सर, बुद्ध गौतम वाला पेड़ देख रहे हैं आप लोग, बस उनको याद कीजिए, आगे आते रहो, आगे बताते हैं क्या होता है, दिखा रहे हैं आपको इस पेड़ का, आप लोग जानते हो इसकी खूबसूरती देख के, इस पेड़ का क्या नाम है, कौन सा पेड़ है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, शायद हम लोग तो पता नहीं है, हम लोग उतना पता है, ध्यान नहीं आ रहा, बाद में सोचेंगे तो बता सकते हैं, कमेंट में डालिएगा जरूर। अनु भाई थोड़ा तेज बोलिए ना, बोले यहाँ पे आजकल विंडो फॉल में हम लोग बहुत पहले नहीं आए, और पहली बार आप लोग देख सकते हैं, इधर भी दिखा दो दुकान वगैरह, ये देखिए छोटा ही सही मत खूबसूरत लग रहा है, अब यहाँ पे एंट्री होगा, देखिए कैसे एंट्री होता है, पानी पूरी लड़कियों के लिए एक खास व्यवस्था है यहाँ पे गोलगप्पे की, यहाँ पे अनु भाई जो भी गर्ल्स आएंगे उनको स्पेशली ट्रीट करेंगे, हम ट्रीट करेंगे, हमारे पैसे आप लोग खा सकते हैं, कोई बात नहीं। देखिए दादाजी आइसक्रीम बेच रहे हैं, लेकिन जब हम लोग की जीएफ होगी जरूर आएंगे यहाँ पे आइसक्रीम खिलाने, अरे मेरे फूड प्रोसेसिंग वाला दोस्त किडनैप हो गया लग रहा है, कहाँ गया यार, चलो चलो झुंडे चलते हैं उसको, नहीं नहीं आएगा आएगा, लग रहा है कहीं बिजी हो गया है, ये देखिए पढ़ लीजिए आप इसको वीडियो को पॉज करके, क्यों हम लोग पास टाइम बहुत कम है, हाँ ये तो बंद है सर, बंद है, हाँ पैसा देंगे सब खुल जाएगा यार, लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ पढ़ना थोड़ा, अरे दिखा दे यार, विंडम फॉल आरक्षित वन क्षेत्र है, अनधिकार प्रवेश वर्जित है, आज्ञा से प्रभागीय वन अधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग मिर्जापुर, वैसे समझ में कुछ नहीं आया लेकिन लिखा कुछ जरूर है, वर्जित के मतलब समझ लीजिए, वर्जित है यहाँ पे, फिर भी हम लोग घुसते हैं जहाँ वर्जित होता है, हाथी दिखता है सबसे बेस्ट चीज, देखिए यहाँ पे हाथी, ऐसा सचमुच रियल है यार, लेकिन रियल नहीं है यार, नहीं नहीं रियल नहीं, आंखों का बस धोखा है, आंखों का धोखा है मेरे, हम रिक्वेस्ट करेंगे अनु भाई आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, एक शायरी प्लीज, एक शायरी, यहाँ पे हाथी और जो भी देखना, एक आंखों का धोखा है, आप लोग आके आरजेसी में घूम ले, एक सिर्फ यही मौका है, वाह 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 वाह, इशाद इशाद, हाँ तो देखिए यहाँ पे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो हमारे अनु भाई को कमेंट में समझा देंगे आप लोगों को, जिनको दिक्कत हो पर्सनली मैसेज करे, डीएम करे, यहाँ पे कुछ लिखा है आप लोग पढ़ के समझ गए, अगर नहीं समझेगा तो अनु सर समझाएंगे, समझाइए सर, लिखा हुआ है शराब पीना सख्त मना है, जिसको भी शराब पीना हमसे संपर्क कीजिए, इसको दिखा दिया जाए कैमरामैन मिंटू जी, कैमरामैन मिंटू जी इसको दिखाया जाए, विंडम फूड कोर्ट मतलब यहाँ पे आप लोग आके खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसा आना चाहिए, अगर पास में पैसा है तो सब कुछ है, सब कुछ है यहाँ पे खाने पीने का, आप लोग कुछ नोटिस कर रहे हैं, सब पेड़ पे साइंटिफिक नाम लिखा है, देखो 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 देखो, ये बेचमेट से साथ हम देखेंगे, देखिए नीम का, देखिए नीम का साइंटिफिक नाम लिखा हुआ है यार, मतलब राजा का इंडिका, यहाँ पे अब नेक्स्ट तुम बताओ यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस का पेड़, वैसे हम लोग को प्लांट के बारे में ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, फिर भी आप समझ लीजिए, तो आ चुके हैं अब हम लोग विंडम फॉल में, और बहुत खुशी हुई कि हम लोग आ गए फाइनली यहाँ पे, तो चलिए दो घंटा लगा आने में, फाइनली बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा है यहाँ तक, सामना करना पड़ा हम लोगों को, अगर डिस्क्राइब कर दे तो दो घंटा कम पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा, हाँ फिर भी आपके लिए हम लोग यहाँ तक आए, अरे पूरा ऐसे दिखा, बैठने के लिए सब दिखाओ यार, यहाँ पे बैठ भी सकते हैं, देखिए हम ऐसे बैठ के आपको बता देना, ऐसे आके आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन बैठेंगे नहीं, समय बहुत कम, कपल्स के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था है, कपल्स के लिए हम लोग जगह ढूंढते रहते हैं, हम लोग हैं सिंगल लौंडे, तो क्या करें, आइए आप यहाँ नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, आइए सिंगल लोग तो नहीं बैठते, सिंगल लौंडे के लिए दर्द यही है, बस यहाँ पे आप लोग बैठिएगा, लेकिन जब भी आइए गर्लफ्रेंड के साथ आइए, चलते हैं फॉर माय एडवाइस, देखिए उतरा जाए धीरे धीरे आराम से, देखना गिरना जा रहा है कैमरामैन मिंटू, थैंक्स सर इतना केयर करने के लिए, इतना केयर तो हमारी गर्लफ्रेंड भी नहीं करती जितना आप कर रहे हैं, करेंगे हम आपकी केयर, क्योंकि आप ही हैं जो हमारे वीडियो है बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप जनता तक हमारी बातों को पहुंचाइएगा, ये तो एक माध्यम है जो हमको इतना अच्छा अवसर मिला कि आपकी बातों को हम जनता तक पहुंचा सके, पहाड़ों को काट कर चीर कर कितना मस्त रास्ता बनाया गया है, ये देखिए सबसे खूबसूरत नजारा जो का है, खूबसूरत नजारा जिसके लिए आप पूरा ब्लॉग देख रहे हैं, लास्टली फाइनली वो वक्त आ गया है, आ गया है, बड़े बड़े शिद्दत के साथ आप देखिए, पूरा नीचे देखा,
जो भी पढ़ना होगा पॉज करके पढ़िए, टाइम नहीं है। यहाँ बड़े सावधानी के साथ उतरा जाता है क्योंकि यहाँ से और ऊपर की जो लंबाई है बहुत ऊंची है। चलिए आपके साथ कैमरामैन मिंटू प्रजापति चल रहा है। वैसे सीढ़ियाँ बहुत अप एंड डाउन है। ये देखिए यहाँ पे मंदिर है और ये अद्भुत नजारा। ये देखिए ना पहाड़ ऐसे बहुत खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पे। देखिए अनूप सर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वाह इस पेड़ को तो देखिए, वाह पहाड़ों के बीच से। वो कहते हैं ना भगवान जिसके साथ होते हैं उसका लाख बुरा हो जाए लेकिन कोई बुरा कर नहीं सकता है। आप इस पेड़ को देख के सीख सकते हैं, पेड़ को उगने के लिए मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, बस चाहत होनी चाहिए कि मुझे उगना है। इसी तरह आप लोग पढ़िए, पढ़ने के लिए पैसा का होना जरूरी नहीं है, पढ़ने के लिए मोटिवेशन का होना जरूरी है। और वो मोटिवेशन आपको कहाँ से आएगी, आपके अंदर। वाह ये देखिए सर इसके बारे में बताइए ना कुछ सर। ये देखिए पहाड़ों के अंदर से पानी गिर रहा है। ओ माय गॉड आई एम वेरी कैसे हो सकता है, ना ऊपर पानी है ना कुछ, फिर ये पानी गिर रहा है। अबे तुमको समझ है, बीएचयू का महान इंजीनियरिंग का कार्य है, बीएचयू का कृपा है। और देखिए ना पानी ऊपर से गिर रहा है, अद्भुत नजारा आपको दिखा रहे हैं। उस तरह करीब लाया जाए पानी को छुइया ना सर, देखिए कैसा फील हो रहा है। वो भाई कसम से बहुत ठंड है, थोड़ा हमें भी दे दीजिए, थोड़ा आप भी ले लीजिए इससे, ये लीजिए। वो अब रियली बहुत ठंड है, बहुत है। चलिए आप अविनाश भाई को, अविनाश भाई देखिए फोटोग्राफर है, हमारे ग्रुप का जो भी एडिटिंग होगा इन्हीं के थ्रू होगा। अगर उससे उसके थ्रू कोई गलती होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं गाइड घूमने के लिए, देखने के लिए। आज हमें खुशी हुई कि हम भी आ चुके हैं फाइनली। चलिए देखते हैं होता क्या है यहाँ पे। यहाँ पे देखा जाए हो क्या रहा है। देखो ना ये पहाड़ों की खूबसूरती। देखिए कैमरा में तो यहाँ पे तो खोल गाइस, यहाँ पे देख रहे हैं सब लोग अपना ऊपर चढ़ रहे हैं पैंट वगैरह। कोई नहीं आप आएंगे तो अंदाजा लग जाएगा। आओ यार उधर से तुम जाओ और कहीं से देखो यार अविनाश। वो पानी बहुत पानी बहुत ठंडा आ रहा है यहाँ पे। हाय पानी बहुत ठंडा है, देख सकते हैं आप लोग। फुल कोल्ड मोबाइल लग जाएगा, फोन लग जाएगा भाई। अब कहाँ चला जाएगा, अभी वीडियो बना रहा हूँ। बहुत रिस्क का काम है, अब इतना रिस्क लेके आ चुके हैं लोग हम लोग। आजा चले चल, चलो चलते हैं ऊपर, चलते हैं ऊपर पहाड़ियों पे और आसमान की ऊंचाइयों पे। आने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग यहाँ से कहीं जाए ना, लेकिन इसका भी टाइमिंग है, जाना तो पड़ेगा, बंद होने वाला है अब। अबे ये तो टाइकांडो जैसा ऊपर चढ़ गया है, लेकिन हमारे हाथ में मोबाइल है तो हम चढ़ नहीं सकते हैं। आ रहेगा, चल आ जा। देखिए ब्लॉगिंग कितनी भी देख लीजिए, असली मजा तो आने पे मिलेगा, आने पे ही मिलेगा आप लोगों को, देख सकते हैं आप लोग। ये तो चाहिए, ये क्या है, ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये लग रहा है मछली पकड़ने वाला जाल है यार, बस दिख रहा है वैसे पकड़ते नहीं है। नहीं वही है ये आदमी जो डूबते हैं पकड़ते हैं, जो बेचू करके डूबते हैं पकड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डूबेंगे नहीं गाइस, शंका हो गया है बीएचयू के, हम भी स्टूडेंट हैं, डूबेंगे नहीं। हाँ नहीं डूबेंगे नहीं, तो हम लोग अभी ऐसे ही इस जाल में पकड़ा जाएगा। हमको लगा कि मछली पकड़ने का जाल है, लेकिन ये जो बीएचयू का स्टूडेंट है उनके लिए जाल बना है स्पेशली, डूबना नहीं चाहिए बस। और अभी इस पर बाप भाई साहब आज आज। और यहाँ पे हमारा हेडफोन टूट देगा लग रहा है आज। मेरा दोस्त भाई मुझे उठा ले यार, आजा मेरे दोस्त, तेरे लिए ब्लॉगिंग के चक्कर में भूल ही जा रहे हो, तेरे लिए जान हाजिर है मेरे दोस्त। देखिए हम बड़े पहाड़ पे आ गए हैं, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा।
नजारा ही देखिएगा, बस और कुछ ना देखिएगा। यहाँ पे देखिए हमारे सबसे अच्छे कैमरा मैन बैठे हैं, सबका फोटो लेते हैं सर। यहाँ पे भैया देखिए कैमरा फोटो खींच रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं। और ये देखिए पहाड़, अबे आ जा रहे, इसको दिखा रहे हैं, ये देखिए यही है। हम बोले हैं ना सिद्धत होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। क्या इस पेड़ को उगना था, बिन मिट्टी का उगा है। हाँ यार देख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, पत्थर में उग गया, पत्थर में ये पेड़। अपने हौसलों से कभी हार मत मानिए, क्योंकि हौसला अगर है तो कहीं भी जा सकते हैं। वाह क्या बात बोले हैं सर आप तो, मिंटू सर आप महान हैं यार, यू आर ग्रेट। आप भी कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में? आगे चले यार। अच्छा आगे चले, चलिए ये बोल रहे हैं भाई साहब, हमारे कैमरा एडिटर में आज आई है, आपका स्वागत है। आप आने में कैसे आपका इतना वेट टाइम लग गया? हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, वीडियो। अच्छा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे, सिर्फ आपके लिए ले रहे थे। चलिए हम लोग इसको इंस्टाग्राम आईडी पे अपलोड कर देंगे, वहां से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे खतरनाक झील बोलते हैं। अच्छा इसको सुनने में आ रहा है अविनाश भाई से कि इसको सबसे डेंजर, सुसाइड हम लोग नहीं करेंगे गाइज, आपके लिए बस जा रहे हैं, जा रहे हैं आपके लिए बस दिखाने के लिए। बैटरी भी लो हो चुका है, जब भी बैटरी बंद हो जाए और मेरा ब्लॉगिंग खत्म हो जाए, लेकिन तब तक आपके लिए हम जितना हो सके उतना प्रयास कर रहे हैं। अब आराम से देखिए फ्रॉग जंप ले रहा है, देख रही है मंकी जंपिंग ले रहे हैं हम लोग। ओ भाई साहब बच गए लो, चलिए चलिए आराम से हम लोग को जहाँ तक पता है सबसे खतरनाक डेंजर जोन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं अपने पैरों से। ये देखिए भाई साहब, अब टाटा बाय और दोस्तों फाइनली झील आ गया, पूरा यही है जो इसको खतरनाक झील कहा जाता है कि एक भी पब्लिक नहीं दिख रही है। पब्लिक भाई साहब क्यों नहीं है यहाँ पे, कोई हमको जवाब देगा? हम जवाब देंगे, हाँ बोलो क्यों पब्लिक नहीं है यहाँ पे? क्योंकि खतरों के, सॉरी सर अभी बोल नहीं पाया, बोलिए बोलिए, खतरों के साथ खेलना सबको नहीं आता। ये बात हुआ, ये एक बार फिर से ट्राई कीजिए, आप फिर से बोलिए हमारे पब्लिक को सुनाइए। खतरों के साथ खेलना सबको नहीं आता है इसीलिए। और जो आपके लिए यहाँ तक आया उसको कितना बड़ा खिलाड़ी होगा, हाँ कितना बड़ा खिलाड़ी होगा, और हो सकता है कोई इसमें बिहारी भी होगा। अब इसे इसीलिए चलाया तो यहाँ पे नहीं। अब लास्ट यहाँ पे सीन है विंडम फॉल का, देखिए लास्ट यही से अंत होता है हमारे कहानी को, हमारे विंडम फॉल का सबसे खतरनाक है, अंत नहीं हो रहा है। हाँ। बैटरी चार्ज नहीं, हम लोग की प्रॉब्लम है। हाँ। नेक्स्ट वीक में मिलेंगे आपसे। हाँ। बाय, उसके लिए टाटा टाटा। चलिए तो हम भी आपको कहेंगे, लेकिन देख लीजिए लास्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर। और हमारे नेक्स्ट काम हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहाँ के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना के रखी है हम लोगों ने, अच्छे मनोरंजन के साथ देखिए, अच्छे विचारों से, अच्छे प्रकारों से देखिएगा। लाइक कमेंट करना तो बताना नहीं पड़ेगा, न्यू जनरेशन न्यू। अब अविनाश भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिए तो हो गया।